हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने डीएसएलआर कैमरा को आप लैपटॉप या फिर पीसी में कैसे यूज करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं, इस वीडियो में मैं दो पार्ट में यूज करूंगा। पहला पार्ट में मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग का पूरा प्रोसेस बता दूंगा, और जो सेकेंड प्रोसेस होगा उसमें मैं आप लोगों को कैसे प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो उस हिसाब से दिखाऊंगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका पीसी या फिर आप चाहे तो मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप आपका पीसी या मोबाइल में नेट कनेक्शन ऑन कर लेना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ ट्रिक्स है जो आपको इंस्टॉल करने का टाइम में यूज करना पड़ेगा, तो मैं इस वीडियो में पूरा आपको क्लियर बता दूंगा, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले कोई भी एक ब्राउजर में चले जाइए। ब्राउजर में चले जाने के बाद मैं एक लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डायरेक्ट आपके ब्राउजर में कॉपी भी कर सकते हैं या फिर क्लिक करने से वहां पे हो जाएगा, ठीक है। तो उसको क्लिक करने के बाद थोड़ा मतलब यहाँ पे 5 सेकंड का एक ऐड मिलेगा, उसमें आपको पता होगा, देखिए 5 सेकंड का एक ऐड आएगा। ऐड के बाद आपको क्लिक करना है, यहाँ पे थोड़ा ट्रेजेडी है, थोड़ा मुश्किल है, देखिए 2-3 बार ये करने के बाद आता है, तो इसको क्लोज कर देते हैं। तो दूसरा लिंक होगा उसको आपको क्लोज कर देना होगा ये भी नहीं है, हाँ इस बार आ गया, ये देखिए आ गया, गेट इन टू पीसी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये इसका सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे मिलेगा आपको, नीचे थोड़ा आ जाना है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो एक्सट्रैक्ट करने का टाइम में आपका पासवर्ड में आएगा, तो पासवर्ड में 123 दे दीजिएगा और यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लीजिए। आप डाउनलोड में क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरा टाइम लगेगा, उसके बाद ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड होने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, अगर आपका आईडीएम है तो आईडीएम से डाउनलोड होगा, या फिर आपका कोई भी एक जो ब्राउजर आप यूज कर सकते कर रहे हैं, जो कि मैं क्रोम यूज कर रहा हूँ, तो वहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट करने से डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो गया, तो हम इसको अभी पॉज कर देते हैं। तो पॉज करने के बाद तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो डाउनलोड होने के बाद मेरा ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए निकॉन का कैमरा, और ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, तो हम इसको डेस्कटॉप में एक बार पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद आपको और एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका पीसी विनरार होना जरूरी है, तो आप चाहे तो विनरार ऐसे डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो आप क्या करिए, विनरार एक तो डाउनलोड कर लीजिए, तो विनरार गूगल में मिल जाएगा। तो आप इस जब ये फाइल आ जाएगा, ठीक है, तो इसको राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट में क्लिक करते ही यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आपको बता दिया 123, ठीक है। तो पासवर्ड 123 क्लिक कर दीजिए, तो देखिए ये पूरा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो अभी कुछ बात आपको ध्यान रखना है कि अभी आपको क्या करना है, जब भी ये आ जाएगा, ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो एक बार ओपन करके देख लेते हैं। देखने के बाद देखिए यहाँ पे रेडमी का ऑप्शन है, यहाँ पे सीरियल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद जो सीरियल नंबर यहाँ पे आपको दिखाएगा, और नीचे आपको सेटअप का फाइल। अभी सेटअप स्टार्ट करने से पहले आपका जो पीसी है, पीसी का इंटरनेट कनेक्शन जो है, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देना है। तो हम यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया, करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके अभी इसको इंस्टॉल स्टार्ट, यहाँ पे पहले आपका अगर यस का ऑप्शन आया तो यस कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल टू टेम्परेरी फोल्डर, तो आपका यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल टू टेम्परेरी फोल्डर में आपका जो भी फोल्डर है वहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादातर सी ड्राइव में चला जाता है। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट का ऑप्शन देगा, तो हम इंग्लिश ही लेंगे, और रीजन अगर सिलेक्ट करना है तो कर लीजिए, हमारा एशिया होगा, ठीक है, इंडियन है तो हमारा एशिया होगा। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए VNX आई डाउनलोड लिंक टू निकॉन,
तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, हम इसके बारे में अभी बातचीत नहीं करेंगे। अगर आपको फीस भी जानना है तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सीधा इंस्टॉल में क्लिक करेंगे। इंस्टॉल में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, तो ये इंस्टॉल होने लगा है अभी। तो जब तक इंस्टॉल नहीं होता है, क्या क्या शो होता है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आई एक्सेप्ट द टर्म्स लाइसेंस, फिर नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट में, फिर यहाँ पे देखिए यूजर नेम पूछेगा, तो मैं मेरा नाम दे दूंगा, तो घर में यूज करेंगे। ठीक है, होम यूज के लिए होम लिख दूंगा, तो नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे अगर आप चाहे तो आप अपना प्रोग्राम फाइल में जो इंस्टॉल हो रहा है वो दूसरा ड्राइव में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, चेंज में क्लिक करेंगे। तो इसको अभी हम इंस्टॉल होने देते हैं। अगर आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैं थोड़ा स्किप कर दूंगा वीडियो को। ठीक है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप जब इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल करते वक्त आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कर देना है। आपको बस डाउनलोड करने तक ही आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखना है, उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन जो है उसको ऑफ कर देना है। अगर आप ऑफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ अपडेट मांगेगा या फिर कुछ होगा, तो आपका सिस्टम के साथ रिक्वायरमेंट मिलेगा नहीं, तो उसके लिए भी दिक्कत आ सकता है। तो इसलिए जब तक आप इंस्टॉल कर रहे हैं तब तक आप अपना इंटरनेट कनेक्शन को ऑफ करके रखिए। ठीक है, तो आप वीडियो अगर आधा स्किप कर देंगे तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं मिला तो आप फिर बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो अभी आया क्या सेंड और डू नॉट सेंड, तो यहाँ पे आपको डू नॉट सेंड में क्लिक करके नेक्स्ट में क्लिक करना है। तो नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद ऐसा आएगा, तो हम क्या बोल रहा था, आपको पूरा वीडियो देखना है, फिर बाद में आपको को पूरा प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देना है, या फिर आप वीडियो देखते रहिए और आपका प्रोसेस स्टार्ट करिए। ठीक, अभी मेरा इंस्टॉलेशन इस प्रोसेस कंप्लीटेड, तो अभी मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अभी आपका यहाँ पे देखिए दो ठो, यहाँ पे दो ठो आना चाहिए, एक ठो आया, चलो कैमरा कंट्रोल प्रो का आया। ठीक है, हम यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद ये एक बार ओपन होगा। देखिए ओपन में क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे सीरियल की मांग रहा है। अभी सीरियल की जो मैंने आपको बताया था कि पहले पासवर्ड ए है, लेकिन निकन कैमरे के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर सीरियल्स लिखा है, तो आप चाहे तो नीचे या ऊपर वाला, अगर आपका ऊपर वाला काम नहीं कर रहा है तो नीचे वाला यूज करिए या फिर ऊपर वाला। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक एक करके इसको कॉपी कर लेंगे, तो हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से, फिर कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेते हैं, से पेस्ट कर लेते, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो ऐसा करके करते आप अपना पीसी में कॉपी पेस्ट कर लीजिए, या फिर अगर आप चाहे तो टाइपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत किसी का टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ठीक है अभी ओके में क्लिक करते हैं। अगर आप चाहे तो ट्रायल भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमारे पास की है, सीरियल की है, तो हम ट्रायल यूज़ नहीं करेंगे। देखिए अभी बता रहा है क्या, नो कैमरा वॉज डिटेक्टेड। ठीक है, तो मेरा जो बात था यहाँ तक ही था कि मैं पहला वीडियो में इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो हम दिखा दूंगा। अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो नेक्स्ट प्रोसेस में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये कनेक्ट करेंगे, कैसे आप इसको यूज करेंगे सॉफ्टवेयर को। तो चलिए मैं इस वीडियो में बस इतना ही रखा हूँ, दूसरा वीडियो अभी चालू करता हूँ। ठीक है, दूसरा वीडियो का लिंक भी इस वीडियो में दे दूंगा, अगर आप चाहे तो आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।